गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज चंदन सिंह। वेलकम यू ऑल टू इंडियाज लार्जेस्ट स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी, अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसे दोस्तों रात्रि के 9 बज चुका है, जल्दी से आप सेशन को ज्वाइन कर लें, जल्दी से आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिए, आज का मेरा एपिसोड नंबर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अनअकैडमी के बारे में। अगर जो लोग अनअकैडमी को फॉलो नहीं किए, हमारे जो नेम अगर फॉलो नहीं किए हैं, तो जल्दी से फॉलो कर दे इसको, अनअकैडमी पे आप फॉलो कर दे। ठीक है, ये नाम सर्च करना है, कौन सा नाम सर्च करना है, चंदन कुमार सिंह सर्च करना है और इसको फॉलो कर देना है जल्दी से। जो लोग फॉलो नहीं किए जल्दी से फॉलो कर दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये सबसे पहले लाइव क्लासेज आपको यहाँ से मिलेगी, टेस्ट सीरीज एंड उसके साथ डॉट सेशन और क्विज भी, ये चार फैसिलिटी तो आपको मिलना ही मिलना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, सभी एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएगी। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराती है, मतलब A to Z, कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लासेज आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे। बोध में वीकली टेस्ट होती है, जिससे अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं आपका प्रिपरेशन कितना है। राम राम भाई संदीप। ठीक है, जल्दी शेयर मार दो एक बार। सभी प्लस कोर्स में डॉट सेशन होता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 3 दिन के बाद चौथा दिन जो डॉट सेशन क्लास होगी। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर आपको बताते हैं। उसके साथ आप डाउनलोड PDF कर सकते हैं, 8 महीने टेस्ट सीरीज, और लास्ट में सही मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आपको मिलेगा फैसिलिटी। उसके बाद आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है प्ले स्टोर में। ठीक है, और यहाँ से फोन नंबर डाल के, ईमेल डाल के यहाँ से कंटिन्यू कर देना। ठीक है, उसके बाद ये SSC कैटेगरी में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है, और अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो 6,000 पड़ेगी, 6,000। 24 मंथ का कोर्स लेते हैं 7,200, मतलब 7,200 रुपया। इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड लगा दीजिएगा CD10, आपको 10% का। अगर आपको कोई भी एंटर कोड मांगे तो CD10 लगाइएगा, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। ये मेरा रेफरल कोड है CD10, इसको जरूर लगाइएगा आपको डिस्काउंट पाने के लिए, डिस्काउंट तो सबको चाहिए होता है। ठीक है, एंड ये मेरा क्लास का टाइम टेबल है, देख लो भाई। यूट्यूब पे क्लास होती है 9 बजे रात में, 6 बजे शाम में, अनअकैडमी पे 10 बजे, और यहाँ पे ये जो है मेरी प्लस पे, यहाँ पे लेक्चर होती है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है मेरी प्लस पे लेक्चर। तो आप प्लस पे लेक्चर देखने के लिए ये टाइमिंग नहीं, आपको क्या कौन सा टाइमिंग फॉलो करना होगा प्लस पे, डेली 7 PM मेरी प्लस पे लेक्चर होती है अनअकैडमी प्लस पे। तो मेरी प्लस पे लेक्चर देखने के लिए आप क्या करें, सर्च करें 7 PM में, आप जो है मेरी इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स चलता है, अब अनअकैडमी पे हमें फॉलो करते हैं, और 7 बजे से प्लस पे मेरी क्लास होती है। तो आप यहाँ से मेरी क्लास की टाइमिंग है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जल्दी से आप लोग शेयर मार दीजिए एक बार, जल्दी से एक बार शेयर मार दीजिए। जल्दी से एक बार शेयर मार दिए जल्दी से आप सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से आंसर लगाएं भाई, टेंशन काहे ले रहे हो, दो बच्चा है, दो ही बच्चा आंसर करेगा, टेंशन काहे लेना। टेंशन ना लो भैया, दो बच्चा है, दो बच्चा का क्लास लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, इट इज, टेंशन नहीं लेना है, जल्दी से एक बार शेयर मार दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, तो राइट आंसर होगा आपका टेस्ला, सी इज राइट आंसर होगा, टेस्ला इज राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ सन टू रीच ऑन अर्थ।
जो सन का लाइट है अर्थ पे आने में कितना टाइम लेती है? संदीप, रोहित, गुड्डू, राइट आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पे, अगर आप राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा, टाइम अप होता है, राइट आंसर यहाँ पे जो होगा 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, कभी कभी ऑप्शन में 20 सेकंड भी लेता है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमारा जो सन है, ये सोलर सिस्टम का फादर इसे कहा जाता है, सन का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट किया जाता है पायरोमीटर से, और सन का जो ये लाइट होता है अर्थ पे आने में लगभग 500 सेकंड लगता है, ठीक है, तो पायरोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किंग मगध एट द टाइम ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, जब गौतम बुद्ध मरे थे तो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, निर्वाणा हुआ था, तो उस समय मगध का राजा कौन था, मगध का किंग कौन था? अगर टाइम अप होता है, मगध का जो किंग था मगध का जो किंग था, जब इनका डेथ हुआ था, उनका नाम था बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, ठीक है। मगध ने टोटल जो है 7 डायनेस्टी रूल किया था, 7 डायनेस्टी, इसका ट्रिक भी बताए थे, हसीन मासुका साथ, ये 7 डायनेस्टी था जो मगध एम्पायर पर रूल किया था। ये सिक्वेंस में H4 हरियक डायनेस्टी, H4 शिशुनाग डायनेस्टी, N4 नंद डायनेस्टी, M4 मौर्य डायनेस्टी, S4 शुंग डायनेस्टी, K4 कन्नव डायनेस्टी, 7-4 सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। और इसी का बेटा अजातशत्रु था, जो अपने पिताजी को मार के राजा बना था, और इस अजातशत्रु का बेटा उदयन था, जो बसाया क्या था, पटना, पटना था, ठीक है। और ये जो बिंदुसार था वो कौन था, वो जो है आपका बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था वो बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था वो बिंदुसार था, ठीक है। तो ये आपको रखना है याद कि टोटल जो 7 डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया था, कहाँ पे, मगध एम्पायर पे, ट्रिक बता दिए, हसीन मासुका साथ, H4 हरियक डायनेस्टी, H4 शिशुनाग डायनेस्टी, N4 नंद डायनेस्टी, M4 मौर्य डायनेस्टी, S4 शुंग डायनेस्टी, K4 कन्नव डायनेस्टी, S7 सातवाहन डायनेस्टी। तो पाटलिपुत्र बसाया था जो अजातशत्रु का बेटा उदयन, और उसका नाम चेंज करके पटना किया, बिंबिसार, सॉरी, शेरशाह सूरी ने किया था, आपको पता होगा, जो जिसने जीटी रोड बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, 4th नंबर क्वेश्चन, भैया लाइक शेयर मारो जल्दी से, एक बार ठोक दो। व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा इस पूरे वर्ल्ड में कि बौद्ध का संख्या कहाँ है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में बौद्ध का संख्या कहाँ है, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। पहला ऑप्शन है वियतनाम, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है जापान, ठीक है। तो जल्दी से आपको आंसर लगाना है, जल्दी से। देखो भैया एक क्लास का ही नाम है एनटीपीसी, ब्रह्मास्त्र, एनटीपीसी ग्रुप बी, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम होगा, और एनटीपीसी के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मार्च में जो है ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होगा, तो ये मेरा क्लास ही है एनटीपीसी ग्रुप डी ब्रह्मास्त्र। राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा चाइना होगा, चाइना में सबसे ज्यादा बौद्ध मॉन्क है। ये देखिए लिस्ट, देखिए पूरा लिस्ट देखिए, 10 लिस्ट है, चाइना फर्स्ट है, सेकंड पे जापान है, थर्ड पे थाईलैंड है, फोर्थ पे वियतनाम है, और यहाँ पे फिफ्थ है म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, और इसी बर्मा से अलग होकर क्या बना था, सिक्किम बना था। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसे इंडिया के पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया गया, और इसे इंडिया का पार्ट बनाया गया, और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो सिक्किम था, श्रीलंका है, उसके बाद साउथ कोरिया है, ताइवान है, एंड कम्बोडिया है, जहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर है कम्बोडिया में, एंड इंडिया है, इंडिया का सबसे लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया, अगर लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन की बात करते हैं इंडिया में, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया में कौन से राज्य का है, पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और लास्ट का ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से शेयर मार, जल्दी से शेयर मार दे, जल्दी से शेयर मारिए, लाइक मारे जल्दी से, भैया सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर मार दो एक बार, ठीक है। तो
तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा आपका तमिलनाडु। हमें कमेंट करके ये बताना है कि भारत में कितने कोस्टल लाइन है, कमेंट करके ये बताना है कि भारत में कितने कोस्टल लाइन है। तो राइट आंसर होगा गुजरात कितने किलोमीटर के साथ है, 1900 किलोमीटर के साथ है, 1900 किलोमीटर के साथ है गुजरात। ठीक है, तो टोटल इंडिया में कोस्टल लाइन कितना है, जल्दी से कमेंट कमेंट करें जल्दी से भैया। चलिए 6 नंबर आपसे क्वेश्चन आ गया, ये देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद किडनी, मतलब किडनी का स्टडी किसमें किया जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, एंड थर्ड ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमेटोलॉजी। जल्दी से जो आपका मेडिकल साइंस है किडनी, किडनी का स्टडी किसमें किया जाता है, ऑप्शन लगा जल्दी से, आंसर लगाना है जल्दी से, शेयर मारो भैया शेयर मारो जल्दी से। इससे कैसे चली भैया, शेयर मारो यार। तो देखिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, राइट आंसर जो यहाँ पे द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ किडनी, अगर इसका बात करते तो राइट आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। किडनी किसमें होता है, नेफ्रोलॉजी में। कार्डियोलॉजी क्या होता है, हार्ट होता है, कहता है ना दिल से प्यार हो गया, दिल से प्यार नहीं होता, दिल होता ही नहीं है भाई, दिल का काम होता है ब्लड का सर्कुलेट करना। एक होता है राइट ऑरिकल, एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो इम्प्योर ब्लड ब्लड को क्या करता है, हमारा जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसको प्योर बना के सीधे ब्लड को लेफ्ट में ले जाता है, वहां से बॉडी के थ्रू, वहां क्या होता है आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। ठीक है, तो प्यार जो होता है ना हाइपोथैलेमस से होता है, दिल से नहीं होता, ठीक है, दिल होता ही नहीं है। तो कार्डियोलॉजी हार्ट है, ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो बोन है, जो आपका हड्डी होता है, तो हड्डी का स्टडी, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। और लास्ट में डी है हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी क्या होता है, यहाँ रक्त विज्ञान लिखा हुआ है, जो ब्लड का स्टडी होता है वो हिमेटोलॉजी में होता है, जो ब्लड का स्टडी होता है वो हिमेटोलॉजी में होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, हु एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आप देखो यहाँ पे भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को कौन जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे संबोधित करेगा। पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, प्यार कुछ नहीं होता, धोखा ही होता है भाई। चलो कमेंट करो, आंसर लगाओ यार, आंसर लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है चलो, हाँ कार्डियोलॉजी, दीपिका जो है दीपशिखा, कार्डियोलॉजी हाँ बिल्कुल हार्ट से होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो जो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है ना, वो बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको संबोधित कौन, यहाँ पे इसका जो प्रिसाइड करेगा वो प्रिसाइडेड कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। प्रेजेंट में ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है, जो हमारे 17 नंबर के लोकसभा स्पीकर है प्रेजेंट में। अगर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की बात किया जाए तो उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, और फर्स्ट वुमेन्स लोकसभा स्पीकर की बात किया जाए तो उनका नाम था मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन थी भैया, तो जो है जगजीवन राम की बेटी थी, जो इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोविंद जी के साथ कॉन्टेक्ट की थी बट हार गई, दिल के वास्ते इलेक्शन हुआ बट वो हार गई, रामनाथ कोविंद जी जीत गए थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट संबोधित मतलब बुलाएंगे और प्रिसाइड करेंगे लोकसभा स्पीकर। अगर आप बात करते हो प्रेसिडेंट का, ये क्यों बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन, अगर हमारा जो है मान लीजिए देर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, फर्स्ट होता है मनी बिल, सेकंड होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, एंड ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो कभी भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर मान लो कोई बिल एक हाउस में पास हुआ, लोकसभा में एक बिल पास हुआ, और इसको पे अगर यहां से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वाला कैंसिल कर दिया, या मान लो ऐसा राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ, लोकसभा वाला कैंसिल मार दिया। तो देखिए अगर ये प्रोसेस जब 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 108, 108 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देखिएगा बुलाते कौन है, राष्ट्रपति, और लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं, इसका प्रिसाइड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया जल्दी से, इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, Which article of the Indian Constitution deals with the Finance Commission? Finance Commission के बारे में। Finance Commission भाई शेयर मारो यार, जल्दी से शेयर मारो। हमें कमेंट करके बताओ, ओम बिरला कौन से लोकसभा स्पीकर है, कमेंट मारो, मतलब कि सॉरी लाइक मार दो, एक बार लाइक शेयर मार दो यार जल्दी से, ऐसे नहीं चलेगा ना यार, मैं
रात के 9 बज रहा है, सेशन ले रहा हूँ, तो लाइक से तो मारता है, बनती है भाई। तो देखो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग होगा, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग होगा, आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग सीएजी होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करते हैं, आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका देवनागरी लिपि या हिंदी लैंग्वेज है उसके बारे में डिफाइन किया गया। क्लियर है? क्लियर है? यस बोल दीजिए एक बार जल्दी से, महाकाल के नाम से भैया लाइक ठोक दो। चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया भैया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, व्हिच बैंक हैज पार्टनर विद, बोल सकते हैं हक दर्शक टू हेल्प इंडियन, जो है बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम फाइनेंस टू रिकवर फ्रॉम COVID-19 पेंडेमिक। तो जल्दी से इसका आंसर लगा दें, जल्दी से इसका आंसर लगा दें। हाँ, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑर्डिनेंस जारी होता, अध्यादेश बोलते हैं उसको, अध्यादेश बोलते हैं, बिल्कुल अध्यादेश बोलते हैं। ये करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स है, आप आंसर लगा सकते हैं इसमें, कौन सा बैंक राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 280 संदीप, यार शेयर मार दो एक बार जल्दी से, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, जल्दी से आंसर लगाइए जल्दी से, बिल्कुल राइट आंसर होगा डीबीएस। डीबीएस का मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस का मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, सी इज राइट आंसर होगा, वेरी गुड, सी इज राइट आंसर होगा। कोविड का मतलब होता है क्या, सीओ से कोरोना होता है, वीआई से वायरस होता है, डी से डिजीज होता है, और 19 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2019 में फर्स्ट टाइम देखा गया था, डायग्नोस किया गया था, इसलिए इसे COVID-19 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, व्हिच इज अ नेचुरल जो है कोलाइड, ठीक है, क्या बताइए, ब्लड है, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड है, या शुगर कैन है, क्या होगा, जल्दी से आंसर लगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अभी अनएकेडमी पे 10 बजे मेरी क्लास होगी, फिर से 10 बजे अनएकेडमी पे क्लास है, तो प्लीज यहां से फॉलो कर दीजिएगा, अनएकेडमी पे प्लस पे क्लास होती है 7 बजे शाम में, अनएकेडमी प्लस पे 7 बजे शाम में क्लास होती है, वाईफाई स्टडी एसएससी फाउंडेशन पे हमारा क्लास जो होती है 6 बजे शाम में क्लास होती है, ठीक है ना? अभी शेड्यूल दिखा दिया थे, जो लोग हमें फॉलो नहीं किए जल्दी से फॉलो मार दें, और कोड यूज करें, एंटर कोड में यूज करना है CD10, ठीक है, CD10 यूज करना है दोस्त। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ब्लड, ब्लड इज राइट आंसर, ब्लड इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हिच वन इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज, पहला न्यूज़पेपर कौन था जो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, जल्दी से। पहला ऑप्शन है आनंद बाजार, दूसरा ऑप्शन है समाचार दर्पण, तीसरा ऑप्शन है तत्वबोधनी, और लास्ट का ऑप्शन है दिग्दर्शन। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं दोस्त, जल्दी से। कोई नहीं, गलत हो रहा है तो क्या हो गया, सही तो होगा, सीखते सीखते लोग सीखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो राइट आंसर यहां पे जो होगा, यहां पे उसका राइट आंसर होगा समाचार दर्पण, ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग था, होगा समाचार। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस फाउंड इन सी रूट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन आया था सबसे पहले, कौन आया था सबसे पहले, इंडिया कौन आया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं, सबसे पहले इंडिया कौन आया था भाई, कमेंट करो जल्दी से, सबसे पहले इंडिया कौन आया था। पहला ऑप्शन है पोर्तुगीज, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश, तीसरा है स्पेनिश, फोर्थ ऑप्शन है डेनिश, कमेंट करो भाई जल्दी से, लाइक से। पीडीएफ भैया तुम यहाँ पर ज्वाइन करो ना अनअकैडमी पे, वहां सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन का, या 100 प्लस लेक्चर मेरा फ्री है, 100 प्लस लेक्चर फ्री है वहां पे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बायोलॉजी सारा तुम पढ़ सकते हो। तो यह कोड डालना CD10 यार, तुम तो फॉलो तो यहाँ कर लो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा पुर्तगाल, याद रखिएगा ट्रिक, पीडीएफ बोलते हैं ना, पीडीएफ भेजना, पीडीएफ में देखिए PDEF, पी से होता है पुर्तगाल, सबसे पहले आया था वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पे, वहां का जो राजा था समुद्री, जिसको बोलते हैं जमोरिन बोलते हैं। डी फोर होता है डच, नीदरलैंड के भाषी को डच कहा जाता है। ई से होता है इंग्लिश, एफ फोर होता है फ्रेंच, जो सबसे पहले भारत आएगा वो सबसे बाद में जाएगा। 17 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा कालीकट पे, तो ये जाएगा छोड़ के, भारत छोड़कर 1961 में, डच इंग्लिश फ्रेंच, सबसे पहले पुर्तगाल, सब फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, ठीक है, क्लियर है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है, बस क्वेश्चन ये है, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, मतलब बहुत, अरे यार सॉरी,
देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? कमेंट करना है। कहाँ किया था? जल्दी से फास्ट में बोलिए, जल्दी से। बस 12 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस 10 मिनट का और सेशन बचा हुआ है, जल्दी शेयर मार दो भैया। सेशन ये 30 मिनट का सेशन होता है, ब्रह्मास्त्र है भैया, 30 मिनट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, जो होगा यहाँ पे, चार बौद्ध का कौन सा, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। हाँ, टोमेटो पटेटो तंबाकू सब पेंटिंग पेंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस 1556 गोवा में लगाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा कि राजगीर। देखिए, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ट्रिक याद रखिएगा, ए के। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में राजा था अजात शत्रु, राजगीर में हुआ था। दूसरा में देखिए यहाँ पे लिखा काला अशोक, वैशाली में हुआ था। जाइएगा पटना, पटना सीधे आप जो है गांधी सेतु क्रॉस कीजिएगा, हाजीपुर का केला खाते हुए सीधे पहुंच जाएगा वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सीधे आगे। उसके बाद यहाँ पर 3 में लिखा हुआ है अशोक द अशोक, इसके सामने में पाटलिपुत्रा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कनिष्क, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडल में कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो राजगीर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था, राइट आंसर लगा दो जल्दी से भैया। क्या हुआ, अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, भैया आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए यार, शेर मार दो यार जल्दी से, लाइक ठोक दो एक बार यार। राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे हमने भी बताया था, जो राइट आंसर होगा, अभी जस्ट हमने आपके साथ शेयर किया था कुछ देर पहले, आरोही हेलो कमेंट, बहुत लेट हो तुम यार। तो यहाँ पे देखो, जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हम जस्ट शेयर किए थे आपके साथ। 15 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला डेप्यूटी, इंडिया का फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे भैया? ऑप्शन है इंद्र प्रसाद गुजराल, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, फोर्थ ऑप्शन है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। बस भाई 10 क्वेश्चन और बचा हुआ, 10 क्वेश्चन और शेयर मार दो जल्दी से। ठीक है, 10 क्वेश्चन ओनली भैया बचा, 10 क्वेश्चन। चलिए, क्या राइट आंसर होगा आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, गुजरात बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो हमें कमेंट करके बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे है, किस नदी के किनारे है। और सरदार भाई वल्लभ पटेल पूरे प्रिंसली स्टेट को एक किया था, 600 प्रिंसली स्टेट था। वल्लभ भाई पटेल गाजर खा के जाते थे, भैया मैं तुम्हारे पापा के समान हूँ, इंडिया में मिल जाओ, नहीं तो अगर नहीं माना तो फिर डंडा लेके जाते थे सबको मिला के, चलो भाई इंडिया मिलो। तो हमारे देश को पूरा अखंड जो किए थे, वो पहला तो अशोक थे, बाद में पटेल जी थे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, आप जो क्या खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, आप लेस खाते हैं, उसमें कौन सा गैस भरी जाती है, उसमें कौन सा गैस होता है, अगर वो निकल जाए तो फिर उसका जो है करकपन खत्म हो जाती है। 15 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बता दें, चिप्स खाते हो ना भैया, कौन सा गैस भरा जाता है उसमें, नाइट्रोजन भरा जाता है, हाइड्रोजन भरा जाता है, ऑक्सीजन भरा जाता है, क्या भरा जाता है, कमेंट करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन भरा जाता है, जो चिप्स वगैरह कुरकुरे होता है लेस वगैरह, उसमें जो पूरा फुला रहता है ना, उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे व्हाट इफेक्ट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज, इसका आंसर बताना है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिमेन रहेगा या जीरो हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, तुम नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो यहां पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं ग्रेविटी का फोर्स की बात करते हैं, अगर अर्थ का त्रिज्या की, अगर अर्थ का रेडियस की बात करते हैं, तो 6400 किलोमीटर है, या दूसरा ऑप्शन आपको 36371 किलोमीटर दिखेगा। ठीक है, मेंटल को, क्रस्ट मेंटल को। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, ये जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, एटॉमिक थ्योरी,
हमारे देश में आज एटम बम है तो जे जे भावा के कौन वजह से, जे जे भावा जो थे जहांगीर होमो भावा, वैसे व्यक्ति थे, उनको प्राइम मिनिस्टर फोन किया, वो बेंगलोर में पढ़ा रहे थे, बोले हमको बात करना है, तो बोले कि अभी क्लास ले रहे हैं, 1 घंटा बोले वेट करने के लिए, ऐसे महान व्यक्ति थे, टैलेंटेड थे, उन्हीं की वजह से अब हमारे देश में क्या हो रहा है, आज एटम के नाम से आप जानते हैं, एटम बम, होमो भावा की वजह से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताओ, डी ऑप्शन होगा, डाल्टन्स, डी ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस व्हिच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस उपकरण का नाम बताइए जो सीधे ऊर्जा को विद्युत में, ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। चलिए ऑप्शन लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइए। राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल इज राइट। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। जय हिंद, जय हिंद बघेल भैया, जय हिंद। छत्तीसगढ़ का सीएम का नाम क्या है, भूपेश बघेल, याद रखना, तुम अपने नाम के टाइटल से याद रखना, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, 5 क्वेश्चन बच गया है, ओनली 5 क्वेश्चन भैया, ओनली 5 क्वेश्चन, लाइक मार दो दबा के एक बार दिल से। देखो राइट आंसर होगा कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ए इज राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है उसको किसे मेजरमेंट किया जाता है, पायरोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या क्रायोमीटर से या बैरोमीटर से, क्वेश्चन एक रहता है यहाँ से। हाँ फोटोवोल्टिक सेल पूजा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड प्रदुमन भाई, दीपक, ठीक है, क्या है, कैलाशी वली, धीरज, बघेल भाई, विजय, सुमन, सुधीर, दीपक, वेरी गुड, जय श्री राम, ठीक है भैया, शेयर मार दो एक बार, शेयर मार दो। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ भैया, लो टेम्परेचर पूछ रहा है, सी इज राइट आंसर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर से मेजरमेंट होता है सन का टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, बैरोमीटर से आपका होगा टेम्परेचर, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द कॉल्ड ऑफ मास्टर ग्लैंड। देखिएगा मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, देखिए कल मूवी में, आप हॉलीवुड की मूवी देखिएगा तो लोग बेहोश हो जाते हैं, एक ऐसे वाला इंजेक्शन लाएगा जोर से छाती पे मारता है, फक्स उसका नींद खुलता है कि नहीं, ऐसे होता है, देखिएगा तुरंत ऐसे धड़केगा, तो उसमें एक ग्लैंड होता है, जैसे दो टाइप ग्लैंड होता है, एक एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहले मास्टर ग्लैंड किसको बोलता है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, जो थैलेमस है, वो सबको रेगुलेट कौन करता है, यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो इस किसको बोलते हैं जल्दी से बताइए, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, राइट आंसर हम बता ही दिए, ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए आज का 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, लिखा हुआ 13 ताली इज फॉल्क डांस, गाना सुने ना, तेरा 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 सुरूर, ये 13 ताली है, 13 ताली किस राज का फॉक डांस है। प्रदुमन भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बता रहा हूँ ना, टेंशन काहे ले रहे हो भैया, ना लो टेंशन भैया, टेंशन ना लो, टेंशन से टेंशन आवत है, टेंशन से टेंशन जावत है, आराम से मस्त होकर एग्जाम दो यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पे एग्जाम देना है, क्रैक कर देना आराम से बस। चलो देखो यहाँ पे 13 ताली की बात करते हैं, 13 ताली, राइट आंसर जो होगा आपका राजस्थान, बिहार का देखिएगा ट्रिक, देखिएगा बिहार का फोक डांस कौन कौन है, जीजा जी को बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, फगुआ में विदेशी से प्यार हो गया, याद रखिएगा, तो जे जे जट जटिन, फगुआ से फागुन, विदेशी से विदेशिया, प्यार से पूर्वी, ये बिहार का ट्रिक है ऑल फोक डांस का, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु मेड द फर्स्ट ई एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, सबसे पहले अनुमान लगाया नेशनल इनकम के बारे में किसने लगाया था बताइए। हाँ ट्वेंटी थ्री 4 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट,
हाँ घूमर भी है, बिल्कुल घूमर भैया भैया पद्मावत में देखे हुए, घूमर घूमर ठीक है बिल्कुल है, घूमर भी है बिल्कुल 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 भैया। संदीप भैया टेंशन मत लो भैया, टेंशन मत लो, राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड मैन कहा जाता है ठीक है। और ये पहला इंडियन था, फर्स्ट इंडियन था जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपॉइंट किया गया था, मेंबर बने थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। एके सिंह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो पाक लिंक, सॉरी इंडो नेपाल लिंक कैनल कंस्ट्रक्टेड अंडर हुज ट्रीटी। एके सिंह ने किस संधि के तहत निर्मित भारत नेपाल के जो है लिंक नहर का आधारशिला रखी है, उस ट्रीटी का नाम बताना है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है भैया, एक बार लाइक मार दो दिल से, एक बार लाइक मार दो ठोक के यार, लाइक मारो यार ठीक है। आज से आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कौन से ट्रीटी है करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स है ये, 25 नंबर क्वेश्चन, टुडे करंट अफेयर्स है, आज का करंट अफेयर्स है। हाँ आज का करंट अफेयर्स है, पानी भी खत्म हो गई, क्लास भी खत्म करना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा मखाली ट्रीटी, राइट आंसर होगा ए मखाली ट्रीटी ठीक है दोस्त। ये मेरा क्लास का शेड्यूल है, यूट्यूब पे 9 बजे क्लास होती है, 6 बजे क्लास होती है, अनेक 10 बजे क्लास होती है, प्लस पे 7 बजे क्लास होती है। अरे आरोही तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ बिल्कुल, वेरी भाई वेरी गुड भाई ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा क्लास का शेड्यूल है, इसको आप लोग क्या करें स्क्रीनशॉट ले ले, मेरी क्लास इस टाइम में होती है, यहाँ से आप फॉलो कर दे जल्दी से, चंदन कुमार सिंह सर्च करे अनअकैडमी जाके, और मेरा 10 बजे भी क्लास होगा, आप उसको ज्वाइन करें ठीक है। ये मेरा सभी लोगों को देखिए, थैंक यू, लाइक शेयर मारो दिल से, जल्दी ठोक के मार दो भैया, लाइक शेयर एक बार कमेंट मार दो, जल्दी से मार दो, क्लास का सेशन मैं खत्म करने जा रहा हूँ, तो जल्दी से सेशन को आप लोग हम खत्म कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मारें, और हमें अनअकैडमी फॉलो कर दें। एंटर कोड पूछे तो CD10 लगा देना है, एंटर के कोड पूछे तो CD10 लगा देना है, चंदन दरभंगा ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।